हेलो दोस्तों, आज मैं मिटियोर गार्डन का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। कॉलेज में मेइजो और शिमे लेई से उसके और सनशाई के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या, दामिनशी सनशाई को बहुत लाइक करता है। तभी वहाँ दामिनशी आता है और वो हुआज लेई के साथ अपनी फ्रेंडशिप एंड करता है और कहता है कि ये फ्रेंडशिप उसने एंड नहीं की बल्कि हुआज लेई ने की है, और वहां से चला जाता है। मेइजो और शिमेन भी दामिनशी के साथ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लेई ने दामिनशी को धोखा दिया है। कॉलेज में दामिनशी सनशाई को इग्नोर करता है, तो लीजेन सनशाई से पूछती है कि क्या उसका झगड़ा हुआ है दामिनशी के साथ। सनशाई उसे कुछ नहीं बताती। देन सनशाई रूफटॉप पर जाती है और हमेशा की तरह वहां उसे लेई मिलता है। लेई वहां दीवार पर किसी की ड्रॉइंग बनाकर उसे देख रहा था, तो सनशाई लेई से पूछती है कि वो दामिनशी की पिक्चर है। तो लेई कहता है इस टाइम तो ये दामिनशी जैसी ही लग रही है। फिर सनशाई भी उस ड्राइंग में अपनी तरफ से ऐड करती है, लाइक दामिनशी की आईब्रोज और हेयर्स। सनशाई लेई को सेट देखकर सॉरी बोलती है और कहती है कि अगर उस दिन मैं बीच पर नहीं जाती तो तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं टूटती। तो लेई कहता है कि मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मैं चाहता था, इसलिए ये सारा मेरा फॉल्ट है। देन लेई सनशाई को डेट पर जाने की पूछता है और सनशाई भी मान जाती है क्योंकि वो तो ये कब से चाह रही थी। नेक्स्ट डे लेई सनशाई को डेट पर ले जाने के लिए उसके घर जाता है। सनशाई के पेरेंट्स लेई के लुक्स को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। देन सनशाई लेई के साथ चली जाती है और अपने पेरेंट्स के बिहेवियर की वजह से वो लेई से सॉरी बोलती है, पर लेई कहता है वो तो मुझे बहुत अच्छे लगे। सनशाई लेई से कहती है कि आज तुम्हारा ड्रेसअप डिफरेंट है। लेई पूछता है कि क्या मैं वियर्ड लग रहा हूँ। सनशाई कहती है तुम अच्छे लग रहे हो। लेई कहता है कि आज मैं देर से उठा इसलिए जल्दी मैं यही क्लॉथ पहनकर आ गया। सनशाई को ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि लेई कुछ नहीं बोल रहा था, तो सनशाई सोच रही थी कि किस टॉपिक पर बात की जाए। तभी सनशाई लेई पर जिंग के नाम का बॉम्ब फोड़ती है, यानी जिंग की बात करने लगती है। लेई उससे जिंग की बात करने से मना करता है। सनशाई मन में सोचती है कि मैं कितनी इडियट हूँ, मुझे जिंग की बात नहीं करनी चाहिए थी। देन लेई सनशाई को बताता है कि ये उसकी रियल फर्स्ट डेट है किसी गर्ल के साथ, और अगर मैं तुम्हें बोर करूँ तो आई एम सॉरी। और जब मैं F4 से अलग हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। सनशाई कहती है कि मुझे तो लगता है कि F4 में से तुम्हारी पर्सनैलिटी सबसे अच्छी है और कोई भी तुम्हारा फ्रेंड बनने को हमेशा रेडी रहेगा। और यही सनशाई लेई का नेम भी लेती है, तो इससे लेई बहुत खुश होता है। स्टार्टिंग में तो लगा कि इनकी डेट परफेक्ट होगी, पर डेट की एंडिंग बिल्कुल प्लेन और ऑकवर्ड थी। पार्ट टाइम जॉब पर सनशाई अपनी डेट की पूरी कहानी अपनी फ्रेंड श्यायू को बताती है। नाइट के टाइम सनशाई दामिनशी का दिया हुआ कोड देखती है और उसके बारे में सोचने लगती है। सनशाई खुद से कहती है कि मैं लेई को लाइक करती हूँ, दामिनशी को नहीं। नेक्स्ट डे जब सनशाई कॉलेज जा रही होती है तो वो एक ओल्ड लेडी को बचाती है एक्सीडेंट होने से, और उस साइकिल वाले को उस ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल ले जाने की कहती है, पर वो मना कर देता है और सनशाई को मारने ही वाला होता है। तभी वहां आती है दामिन जुआंग। आप सब समझ ही गए होगे नेम से, वो दामिनशी की ओल्डर सिस्टर है। तो वो उस मैन को उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाने की कहती है, तो वो मान जाता है। सनशाई के हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी तो वो उसे अपने घर ले जाती है ट्रीट करने के लिए। जब सनशाई उसके घर पहुंचती है तो वो सोचती है कि ये लेडी मुझे दामिनशी के घर लेकर क्यों आई है, इस लेडी का दामिनशी के साथ क्या रिलेशन है। सनशाई को ये भी डर है कि कहीं दामिनशी उसे ना देख ले, तो वो जाने की कहती है पर वो उसे जाने नहीं देती और अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो सनशाई समझ जाती है कि ये दामिनशी की बड़ी बहन है। जब वहां वो दामिनशी के पर्सनल बटलर मिस्टर लियो से मिलती है तो वो सनशाई को पहचान लेते हैं और बताते हैं कि ये दामिनशी के साथ सेम कॉलेज में पढ़ती है। सनशाई वहां से छुपकर जाने की कोशिश करती है कि कहीं दामिनशी उसे ना देख ले, पर उसका लक साथ नहीं देता और वो दामिनशी से टकरा जाती है। दामिनशी सनशाई से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या अपने बॉयफ्रेंड का शो ऑफ करने आई हो। सनशाई मना करती है पर दामिनशी
को गुस्सा आ जाता है और वो सनशाई का हाथ पकड़कर दीवार की तरफ पुश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। सनशाई कहती है कि उसे लग रही है। तभी दामिनशी सनशाई के हाथ पर चोट देखता है। इससे पहले दामिनशी कुछ सोचता या सनशाई से कुछ पूछता, उसे अपनी बहन से फ्लाइंग किक पड़ती है। इससे पता चलता है कि दामिनशी सनशाई को लाइक क्यों करता है, क्योंकि उसकी बहन और सनशाई का एटीट्यूड और प्रिंसिपल सेम है। सनशाई के बाउंड को ट्रीट करने के बाद दामिन जुआंग सनशाई को डिनर के लिए रोकती है। सनशाई को मजबूरन रुकना पड़ता है। डिनर के टाइम सनशाई वाइन पीने की मना करती है। मिस जुआंग के कहने पर वो बिना रुके एक ही सिटिंग में पूरा वाइन का ग्लास खाली कर देती है और वो ड्रंक हो जाती है और वहीं सो जाती है। दामिनशी की सिस्टर उससे पूछती है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, तो दामिनशी मना करता है और कहता है कि सिर्फ क्लासमेट है। दामिन सुआंग बताती है कि सनशाई और उसमें दोनों में जस्टिस का सेंस है, जो स्ट्रीट पर हर्ट हो गया था उसके लिए, और वो दामिनशी से सनशाई को गेस्ट रूम में छोड़ने की कहती है। सनशाई जब जाग जाती है तो मिस जुआंग सनशाई से मिलने जाती है और उसे दामिनशी के बारे में सब बताती है और ये भी बताती है कि वो फर्स्ट गर्ल है जिसे दामिनशी घर लेकर आए, और कहती है कि मैं तुम दोनों को फोर्स नहीं कर रही रिलेशनशिप में रहने के लिए, पर फिर भी तुम इसके बारे में सोचने के लिए टाइम लो। नेक्स्ट डे कॉलेज में शीमैन F4 को डिस्पेंड करने की बोलता है। दामिनशी मना कर देता है क्योंकि लेई को रिप्लेस चैन सिंह करेगा। सनशाई दामिनशी को रोककर कहती है कि ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई है, सारा फॉल्ट उसका है, और सिंसियरली दामिनशी को सॉरी बोलती है और कहती है कि इस बात की पनिशमेंट वो उसे दे। वाजलेई भी यही कहता है कि वो पनिशमेंट सनशाई को नहीं उसे दे, तो दामिनशी उन्हें जॉकर कार्ड देता है। नाइट के टाइम सनशाई अपने और दामिनशी के वेकेशन के फोटोज देखती है और सोचती है कि वेकेशन के टाइम सब सही था, अब ये क्यों हो गया। नेक्स्ट डे सनशाई मिस जुआंग से मिलने जाती है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कहती है, तो वो सनशाई से कहती है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी तुम ही हो, और वो सनशाई को अपने दिल की सुनने को कहती है। सनशाई जा रही होती है तो बाहर उसे दामिनशी मिलता है। सनशाई उससे कहती है कि तुम ये मत समझो कि मैं डर गई, मैं गेम कुछ दिनों में सीख जाऊंगी और हुआजिलेई के साथ टीम अप होकर खेलूंगी। दामिनशी कुछ नहीं बोलता। सनशाई कहती है कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे। दामिनशी सनशाई को हक कर लेता है और कहता है कि से यू लाइक मी, मैं हुआजिलेई के साथ बैट कैंसिल कर दूंगा। सनशाई उसे ये सब बंद करने को कहती है तो दामिनशी पूछता है कि क्या तुम मुझे इतना हेट करती हो, और कहता है मैं स्टूपिड हूँ जो तुम्हें लाइक किया, तुम अगली हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, और कहता है कि तुम रिग्रेट करोगी। पर सनशाई उस गेम के लिए चैलेंज करती है भले उसे गेम खेलना नहीं आता। दामिनशी वहां से चला जाता है। सनशाई सोचती है कि मैं ऐसी कंडीशन में हुआजिलेई को अकेला नहीं छोड़ सकती, और इन द एंड सनशाई दो लड़कों के बीच फंस गई है। सनशाई लेई के लिए केयर करती है पर वो दामिनशी को सैड और हार्ट ब्रोकन नहीं देखना चाहती, और एपिसोड 9 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।